कि कंप्लेंट भी करेंगे, सही वक्त आएगा तो कंप्लेंट भी कर देंगे, लेकिन पहले आप तैयार तो हो उसके लिए, आप जांच के लिए तो तैयार हो। ये उल्टा होता है, मतलब मर्डर कहीं हो जाएगा तो हम कंप्लेंट बाद में करेंगे, पुलिस पहले जांच शुरू कर दे, ये मतलब उल्टी गंगा बह रही है कांग्रेस पार्टी की, ऐसा कैसा होगा? मतलब आपने कभी विश्व में सुना है कि जो शिकायत करता है वो कहता है हम कंप्लेंट बाद में करेंगे, इन्वेस्टिगेशन पहले चालू कर दो? आप पूरे इस ब्रह्मांड में, छोड़ दीजिए भारतवर्ष में क्या हो रहा है, बाकी देशों में क्या हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा नहीं होता है कि कंप्लेंट हम बाद में करेंगे, पहले इन्वेस्टिगेशन करो। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। कपिल सिब्बल जी आज गला फाड़ फाड़ के एक ही विषय पे चिल्लाते रहे। कोर्ट में उनका विषय क्या था? प्लीज मिलॉर्ड्स इश्यू अ नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मिलॉर्ड इश्यू अ नोटिस, ऑल दैट वी वांट इज अ नोटिस, हम केवल चाहते हैं कि आप एक नोटिस इश्यू कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट को। मिलॉर्ड्स ने नोटिस इश्यू किया, जो यहां पर ये आके इतने जोर जोर से पूछ रहे हैं कि आप बताइए, जब मिलॉर्ड्स ने हमसे नहीं पूछा है तो आप क्यों पूछ रहे हैं? मिलॉर्ड्स ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, याचिका की एक प्रति आप केंद्र सरकार को दे दीजिए, बस इतना ही कहा कि याचिका की कॉपी केंद्र सरकार के पास भी होना चाहिए, उनको सबमिट कर दीजिए। दो सवाल उन्होंने गंभीरता के साथ पूछा है, ये सारा कुछ अखबारों के आधार पर है, आपके पास ठोस पुख्ता सबूत क्या है? मैं पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, बताइए ठोस पुख्ता सबूत क्या है। दूसरा, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम आज अखबार में आया है, आप जानती हैं अंजना जी, आज अखबार आपने भी पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने कहा फलाने सुप्रीम कोर्ट, अरुण मिश्रा जी का नाम लिया, कि अरुण मिश्रा जी का फोन जो है वो हैक हुआ था, वो पेगासस छोड़ा गया था, और फोन नंबर भी डिक्लेयर किया गया 094 पेपर में XXXX करके दिया है ताकि नंबर डिस्क्लोज ना हो। तो ये जो नंबर है इसका पेगासस छोड़ा गया था। जब जस्टिस साहब से पूछा गया तो जस्टिस साहब ने कहा ये नंबर, जो नंबर अखबार में आया है और जो रिपोर्ट में आया है, ये नंबर मेरे पास 2013 तक था और 2014 की अप्रैल में मैंने इसे सरेंडर कर दिया है। तो अगर 2014 की अप्रैल में सरेंडर हो गया था मोदी जी की सरकार के आने से पहले, अमित जी के आने से पहले, तो ये पेगासस कहां से घुस गई थी उनके उस फोन नंबर में? ये कितनी झूठी बातें हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में ही जाके सुप्रीम कोर्ट के जज पे झूठी आरोप लगा रहे हैं और यहां शिकायत भी नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं हम शिकायत बाद में करेंगे, पहले इन्वेस्टिगेशन करो। मैं सवाल पूछता हूं कि राहुल गांधी के फोन में ऐसा क्या है, क्या है जो राहुल गांधी डर रहे हैं शिकायत करने से, आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और मैं दोबारा ये सवाल रिपीट कर रहा हूं, राहुल गांधी जी का फोन प्रीपेड या पोस्टपेड राहुल गांधी जी के नाम पे है या नहीं है, किसके नाम पे है, ये भी हम जानना चाहते हैं। गौरव जी देखिए, ऐसा शक होता है ना सर कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टंटबाजी के लिए आप लोग कर रहे हैं, वरना देश की अदालत भी ये बोल रही है ना सर कि तथ्य दीजिए, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स पे नहीं होगा। वेस्ट बंगाल में जो कमीशन बिठाया गया है वो भी अखबारों से मांग रहे हैं कि आप आधार क्या है, आधार और तथ्यों के बिना, क्योंकि जितनी याचिकाएं हैं सब जांच की मांग कर रही हैं और कोर्ट का भी मानना है कि जांच के लिए आधार जरूरी है। मैं आपको दो आधार दे देता हूं, आपके सारे दर्शकों को, संबित पात्रा जो को भी समझ में आ जाए, और पोस्टपेड प्रीपेड भी बता दीजिएगा, वो हर शो में पूछते हैं। क्यों आप जरूर अंजना जी मेरे भी सवाल पूछ लिया करो, आप मेरे से इतना नाराज क्यों रहती हो, मैं तो आपसे बहुत सभ्यता से बात करता हूँ, मैंने तो मेरा भी सवाल कभी पूछा करो इनसे कि पेगासस खरीदा या नहीं, मैंने पिछले शो में एक आपके कहने पे नहीं पूछा सर, लेकिन अपनी मर्जी से दसियों बार पूछ लिया है, वो इस पर जवाब नहीं देते हैं, वो कहते हैं वो सरकार का, मैं पूछूंगी, आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, जिस दिन मुझे आपसे सीखने की जरूरत पड़ जाएगी उस दिन के बाद शायद एंकरिंग छोड़नी पड़ेगी, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, भूमिका मत बनाइए और ना मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीजिए। मिस्टर गौरव वल्लभ, प्रोफेसर साहब, तथ्य और आधार सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है, इस पर आपका जवाब। इतना गुस्सा ना करिए, मैं जवाब दूंगा, मैं तो गुस्सा नहीं करने का अंजना जी, गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं, प्रोफेसर साहब, विक्टिम कार्ड नहीं खेलने का, मैं बता रहा हूँ, मैं तो आपके सवाल का जवाब दूंगा, पर आप प्लीज पूछना अगर आपको उचित लगे तो। मैंने आपने मेरे से पूछा कि तथ्य क्या है अंजना जी, फ्रांस ने, मैं आपने सवाल आपने मेरे से पूछा ना आपके शो, बोलिए अंजना जी, फ्रांस के अंदर इसकी जांच जब बैठाई तो पता चला कि मीडिया पार्ट, जो कि राफेल की जो दलाली और राफेल का जो घूस कांड हुआ है, उसके जो दो पत्रकार जो राफेल की स्टोरी को कवर कर रहे थे, उनके फोन में ये पेगासस नामक हथियार पाया गया। दूसरा तथ्य अंजना जी, भारत के जो कुछ गणमान्य जो हमारे पत्रकार हैं, जो विधायिका के और लोग हैं, न्यायपालिका के हो या कार्यपालिका के हो,
उनके जब फोनों को, कुछ 8-10 लोगों के नाम भी है, जब उनके फोनों को देखा गया तो उसमें पिगासस नामक हथियार पाया गया। अब अंजना जी आप ये बताइए, ये पिगासस खरीदा या नहीं, इसका जवाब नहीं है किसी के पास। अगर खरीदा है तो सवाल यह है कि किसके खिलाफ इसका उपयोग किया, क्यों लोगों की निजता के ऊपर आक्रमण किया, क्यों लोकतंत्र के ऊपर आक्रमण किया, क्यों जजेस के ऊपर, इलेक्शन भूतपूर्व इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, सीबीआई प्रमुख के ऊपर, मीडिया के वरिष्ठ लोगों के ऊपर, वैज्ञानिकों के ऊपर इस हथियार का प्रयोग किया गया, आप ये बताइए। और ये बोले कि मैं पहले जुर्म होगा फिर हम देखेंगे। अरे पात्रा जी, जुर्म तो हो गया।